लग रहा है सर? बहुत सुंदर है और बहुत वो है, और जो भक्त जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ सबके जीवन में आनंद करे, सुख दे, समृद्धि दे, निरोगी करे, इसी कामना से लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। सिंधुओं में सावन महीना पवित्र माना गया है, लोग नंगे पैर 22 किलोमीटर किल्लेश्वर महादेव यहाँ से जा रहे हैं, तो ये आस्था का पर्व है और भक्ति का पर्व है। जो भी महिलाएं जो भी पुरुष जाएंगे उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ अच्छा ही करने वाले हैं, इस मकसद से यात्रा शुरू की गई है। और आज 20 से 25 हज़ार लोग अपनी इस रचना के अनुसार वहाँ पे किल्लेश्वर महादेव आने वाले हैं। सर कैसा लग रहा है सर, इतना बड़ा हुजूम आपको देखते हैं तो? आनंद है, हिंदू समाज में हिंदू धर्म का जागरण हो रहा है, भगवान जागरूक कर रहे हैं, हिंदू समाज जाग रहा है और भगवान भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा अर्पण करने जा रहा है। और जिनके सभी के जीवन में आनंद आएगा, सुख होगी, समृद्धि होगी, जिनकी मनोकामना सभी भक्तों की पूर्ण करते भगवान भोलेनाथ। सर इस भीड़ को देखते हुए हम मान लें कि हिंदू जाग गया? जाग रहा है, जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन जो होगा वो हिंदुस्तान में जो पूरी दुनिया में नहीं देखा वो होगा। सर आपने और सिंधु पुंज के जो संस्था है सब मिलके इतना भव्य प्रोग्राम किया है सर, से इसमें किसी प्रकार का विघ्न भी आता है क्या आपको? देखिए ऐसा है, ये तो भगवान भोलेनाथ है, जो राक्षस हैं वो विघ्न डालते हैं, पर देवताओं के कार्य में बाधा चलते रहती है, लेकिन अपना समाज अपना काम करते रहता है जी। तो सर हम जानना चाह रहे हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी तरह के कोई यानी कि इन्हीं मतलब सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती है फाइनेंशियली या फिर किसी और तरह का भी, तो इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता है? ऐसा है, हम यहाँ पे किसी से पैसा नहीं लिए, खाली जो भी लोग 150 रुपया शुल्क दिए हैं 150 रुपये में उनको साड़ी और उनका ड्रेस दिए हैं, तो वो बाकी किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त अपना सब व्यवस्था करता है, उनको जल दिए हुए हैं, जल इसके लिए डब्बे में दिए हैं कि रास्ते में गिरना नहीं चाहिए, उसमें जो है पंचतत्व मिला के बनाया गया है, गंगा जल उन सब चीज घी और दूध दही सभी, तो इसलिए गिरे नहीं, इसके लिए उसको ढक्कन बंद किया है और इस हिसाब से ये नया सिस्टम चालू किया है।